हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड की ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ, क्योंकि मम्मी के पास तो ये थे ही और मुझे कुछ वीडियोस भी बनानी थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत भी इन्हीं गहनों के साथ कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो उत्तराखंड के होंगे उन्हें तो पता है कि इन ज्वेलरी को क्या बोलते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ उत्तराखंड से हैं उनको मैं बता देती हूँ। इसको हमारे पहाड़ में कहते हैं नथ, और नथुली भी कहते हैं, और जो मैंने गले में पहना हुआ है इसको गुलोबंद कहते हैं, और भी बहुत सारी ज्वेलरी होती हैं, पौछी होती है, मांग टीका होता है, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं पहना। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि मैं कैसी दिख रही हूँ। और एक दो दिन में ना हमारी फैमिली में सब लोग घर आने वाले हैं, बुआ जी भी आने वाली हैं, पापा तो 3 तारीख को आ जाएंगे, और चाचा चाची सब लोग आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी फैमिली में कुछ कार्य होने वाला है, काफ़ी लोग तो सही गैस भी कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होने वाला है। तब तक आप लोग गैस करिए कि क्या होने वाला होगा हमारे परिवार में। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि सब लोग आएंगे घर पे और घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जब चले जाते हैं ना, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि मैं पहाड़ी ट्रेडिशनल ज्वेलरी में कैसे लग रही हूँ। तो फिलहाल मम्मी तो घास के लिए जा रखी है, जब मम्मी आ जाएगी फिर मम्मी से भी आप लोगों को मिलाएंगे। दोस्तों, अभी मेरी चल रही है यहाँ पे कपड़ों की धुलाई, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें मैंने कंबल भिगोने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा टब था नहीं जिसमें इतने बड़े बड़े कंबल धुल पाते, तो मैंने इसमें निरमा में भिगा के रखे हुए थे, और अनमोल भी लगा हुआ है यहाँ पे अपने कपड़े धोने पे स्कूल के। और मम्मी लोगों को दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो माता श्री? हमारी मम्मी भी आगे घास लेके। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों? घास के लिए जा रखी थी, अभी यहाँ पे धूप आ रही है, वहाँ पे चलो धूप आ रही है। और यहाँ पे देखो हमारे कद्दू जो मैं परसों लेके आई थी, ये देखो यहाँ पे सुखाने के लिए रखे हुए हैं। बोलो दोस्तों, घास लेके आई अभी, अभी हाथ मुंह धोया, अभी नहाना है, बहुत काम है अभी घर में होता है, खुजुर खुजुर काम तो सारा बच्चों ने निपटा दिया, सफाई सफाई जितने भी करने थे सब। पर लेकिन फिर भी मम्मी के हाथ चैन पे, मेरे हाथ चैन पे नहीं रहते हैं, क्या करूँ, इधर उधर डेट रहती हूँ। और दीदी यहाँ पे बना रही है एक नई डिश, क्या बना रहे हो दीदी? भटके डुबके, कुमाऊं में बोलते हैं भटके डुबके, यहाँ तो पता नहीं क्या बोलते हैं, भटवाड़ी पता नहीं क्या बोलते हैं। उस थाली को उठा के दिखाना। तो ये दीदी ने पहले ना जो ये सोयाबीन होते हैं इनको तवे में भूजा था, उसके बाद भिगाने के लिए रखा, और इसके बाद इसे तड़का देंगे, है ना? नहीं, ये जब से वहाँ गई ना। और क्या करना है इसमें? प्याज फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद टमाटर डालेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर थोड़ा सा आटा डालेंगे, मसाला डालेंगे। अच्छा, फिर उबालेंगे, फिर बन जाएगा भटके डुबके। तो बनने के बाद दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे बनते हैं। नहीं, ये जब से वहाँ गई ना घूमने, तब से कुल डुबके 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 मार रहे बोल रही है, और डुबके बनाने हैं। बोल मैंने तो मेरे को बोला मम्मी भट्टे हैं, मेरे को तो याद रहती नहीं, मैंने कहा बेटा पता नहीं है कि नहीं, खत्म हो गए नहीं। पर मैं अंदर गई कल, वहाँ देखा तो कमरे में थे भट्ट, मैंने कहा रुचि ये है, बना ले इनको। और दोस्तों, धूप इतनी हो रही है, किसी ने सच में एक गाना नहीं लगा रखा था मेरे को, धूप मन धूप में निकला न करो पुष्पा वो रानी, गोरा रंग कहीं बल कलपट न हो जाए। कलपट तो हो नहीं रहा पर लालपट हो रहा है, लालपट हो रहा है, लाल हो जाता है मेरे मुंह जब मैं धूप में जाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमारा टफी भी है। हेलो टफी। हेलो, ये देखो ये देखो, ये भी कैमरा सा है, कैमरा देखते ही भाग जाता है। तो सब लगे हुए हैं अपने अपने काम में, और मुझे सबसे मुश्किल काम मुझे कंबल धोने हैं। एक कंबल ये रहा, और इसमें चद्दर वगैरह भी है, ये भिगा के रखे हुए हैं, और अनमोल भी लगा हुआ है अपने काम पे। तो जल्दी से काम निपटाते हैं, उसके बाद खाएंगे भटके डुबके। तो दोस्तों, अभी हमारा यहाँ पे लंच बन के तैयार हो गया है, और हम लोग ना ऐसी खुली वादियों में खाना खाते हैं, काफ़ी लोग बोलते रहते हैं आप लोग बाहर पे खाते हो, और ये है भटके डुबके, ये देख लो भाई, अभी इसमें मारेंगे डुबके, इसमें मारेंगे डुबके दोस्तों। क्या बोलना है, क्या बोलना, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं दोस्तों। भूख लगी, मैंने तो रोटी खानी थी पर रोटी नहीं थी, तो चलो चावल खाती हूँ, चावल में काम चलाएंगे, काम चलाएंगे उसी में। हाँ, क्या करें, तो जल्दी से खाना खाते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं, और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठ रही हूँ, लगभग 5 बजे उठी मैं। पता नहीं आज ना सुबह से ऐसा लग रहा, बुखार सा फील हो रहा, क्योंकि जुकाम भी लगा हुआ था, और हो सकता है क्या पता बुखार आ जाए। बुखार आना तो नहीं चाहिए यार, अगर बुखार आ गया ना उसके बाद वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। तो देखते हैं क्या होता है, आजकल बुखार आ भी रहे हैं वैसे। तो ये गौशाला का डब्बा भी तैयार हो गया, आप लोग बोल रहे हो गौशाला का डब्बा छोटा हो गया, क्योंकि अब भैंस ब्याने को है, इसलिए भैंस इतना देती है, जितना ये पानी है उससे भी कम देती है, बस चाय के लिए होता है। तो मम्मी जाएगी गौशाला, मैं जाती हूँ दोस्तों गौशाला, मुझे भी बुखार आ रहे हैं आजकल रात को, दवाई भी ला रखी है पर खाने का मन नहीं करता मेरा, दवाई खाने से मुझे सख्त नफरत है। और अभी सब्जी देखते हैं, इधर कहीं सब्जी लगी होगी तो सब्जी निकालते हैं, वरना दुकान में जाना पड़ेगा। वैसे कद्दू लौकी तो है, पर कुछ नहीं है, वो ककड़े क्या बोलते हैं, उनको ककड़े तो अभी लग रहे हैं, जिनको आप लोग करेले बोलते हैं, काफी लोग करेले भी बोलते हैं, मीठे करेले।
तो अभी देखते हैं। वैसे कद्दू लौकी तो है अंदर, पर उनको खाने का मन ही नहीं कर रहा, बिकलाण आ गया। लौकी है दोस्तों, लौकी नहीं बोल लौकी है वो, क्या बोलते हैं उसको, कद्दू है, तोमड़ा है एक, लेकिन खा खा के बोर हो गए। वो कभी खाए लौकी, भूज खाई थी, खाई थी बस, इनको चाहिए खाली दुकान कर लें, क्योंकि सब्जी बनाओ दुकान से कोई सब्जी नहीं आएगी। मेरे ना बॉडी पेन भी हो रही है, फोन पकड़ने में ना हाथ दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे। मम्मी बनाएगी ब्लॉग, बॉडी पेन हो रहा है दोस्तों, तेल खिचड़ी बनाएंगे, बिल्कुल नमक बहुत कम है मंजूर। खाने में तो परहेज है, काम में भी है परहेज। काम क्या काम भैया, तू ऐसे काम में परहेज हो ना, नहीं गई सो के अब उठ रही है तो लेकिन सुबह क्या ना, कितने सारे कंबल धोए मैंने, चादर भी धोई, फिर घर का काम भी धोए इसने। तो मम्मी जाएगी गौशाला, हम लोग तब तक खाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 7:30 बज रहे हैं, और अभी मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर भी काट दिए हैं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी, और पनीर की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादातर हम पनीर की सब्ज़ी बनाते रहते हैं बीच बीच में। तो आज मैं ना सूखी वाली पनीर बनाऊँगी, वैसे ज़्यादातर गीली वाली बनाते हैं, लेकिन सूखी वाली बहुत ज़्यादा मस्त होती है। तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और दीदी बनाएगी रोटी, तो देखते हैं कोदे की रोटी बनाएंगे कि गेहूँ के, गेहूँ की बनाएंगे ना पनीर के साथ, पनीर के साथ गेहूं की रोटी बनाएंगे, क्योंकि पनीर के साथ गेहूं की रोटी अच्छी होती है। मेरे को बुखार आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं कल के लिए टुड़पट ना हो जाऊं, पता चल रहा ब्लॉग ही नहीं बना पा रही था। तो दोस्तों मैंने तो अपनी सब्जी बना दी है, और दीदी और अनमोल बना रहे हैं यहाँ पे रोटी। ये देखो आज बन रही है गेहूं की रोटी, और हमारी माता श्री यहाँ पे चला रही है फेसबुक। हेलो हेलो दोस्त, उसको बंद कर दो भाई, जो फ़ोन में चल रहा है। चलो बंद कर दिया। तो दोस्तों क्या बोलना है, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं अभी। तो एक शायर हो जाए यार, लोग कमेंट करते हैं कि शायर नहीं बोलते हैं, वो तो बोलते हैं एक ना। बोलो मोनिका, ठीक है बोलो। मोनिका इतनी बड़े बड़े आंखें दिखाएगी। बोलो, बोलो। तो दोस्तों ये आपके लिए है, खत लिखूं तो क्या लिखूं, काबू दिल हम दम नहीं, खाक ऐसी जिंदगी का, हम कहीं और तुम कहीं। एक बात ऐसी लगी बहुत, सड़क पे भी उतने मोड़ नहीं जितने तेरे बालों में, टमाटर पे भी उतना रस नहीं जितने तेरे गालों में। अरे वाह वाह वाह। खत लिखते लिखते कलम रुक गई, आगे लिखा न जाए, टप टप आंसू गिर गए, लिखा अक्षर मिट जाए। ये पहले लिखते थे ना बहुत, ग्रीटिंग कार्ड में भी लिखते थे। हाँ बहुत लिखते थे, इसके पापा को लिखते थे ना। अच्छा है भी वो कार्ड अभी, कार्ड मैं नहीं रही। तो मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है आराम से फेसबुक चला रही है, हम लोग बना रहे हैं खाना। ये खाना बना रहे हैं दोस्तों। तो किसी ने कमेंट किया था, करते रहते हैं कि शायरी भी बोला करो बीच में, तो मैंने सोचा थोड़ा बोल लेते हैं। तो फिर दूसरे दिन दूसरी शायरी बोल, थोड़ी देर में खाना खाते हैं, उसके बाद मम्मी को आज बहुत नींद आ रही है। बस नींद तो दोस्तों हमेशा आती है, क्योंकि मैं दिन में क्या है मेरी आदत, थोड़ा आराम भी करूँ ना। ये फोन है साला, ये चुप रहने ही नहीं देता, इसको हाथ में निकालो तो ऐसे लग जाते, वीडियो देखो, ये देखो, कीर्तन सुनो, बस इसी में नींद। तब कहाँ से सोना दिन में, और फिर तब शाम को हो जाता है, जल्दी बनाओ रे मेरे को, लग जाती है मम्मी शाम। हाँ बस नींद आती है बहुत ज्यादा। दोस्तों अभी तक हम ऐसी ना बातें कर रहे थे, मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई, मम्मी बोल रही है जब तो ससुराल चली जाएगी मैं कैसे रहूंगी वाल है। सच में ये देखो मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। बोलो कैसे रहोगे तुम है। मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मम्मी और मेरा बॉन्ड थोड़ा अलग ही है, आप लोगों को भी पता है। तो यहाँ पे आओ ना, आओ ना, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो हमारी माता श्री आओ ना, वो क्यों मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई मेरी, यहाँ पे आ गया आ गया। तो मेरी मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई, बोल रही है ये देख लो भाई, झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रही है ये। काफी लोग बोल रहे थे ना कि कुछ टाइम में आपकी सगाई हो रही है कि शादी हो रही है, तो वो आपको पता लग जाएगा कि क्या हमारे फैमिली में कार्य होने वाला है, तो आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है, तो कुछ दिन में तो मैं बता ही दूंगी। लेकिन मम्मी इमोशनल हो रही है, जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी। नहीं दोस्तों इसने हंसा हंसा के मेरा आंसू निकाल, क्योंकि ये नखरे करती रहती है बार बार ना, मैंने मजाक में बोला मेरे बाल छोड़ो, जब तेरी शादी होगी तो मैं कैसे रहूंगी, तो थोड़ा हो ही जाता है। तो साथ साथ में आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं दोस्तों, नहीं रो रही मैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। रोते नहीं है अच्छे बच्चे। लोड़ी।